वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू इन इंग्लिश ग्रामर क्लास. टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. ओके, सो फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस. ओके, नेक्स्ट हाउ टू आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस. एक सेंटेंस में हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को. ओके, नेक्स्ट वॉट एग्जैक्टली इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एंड नेक्स्ट बेसिक रूल सराउंडिंग इट. ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स वी विल अंडरस्टैंड वॉट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इट मीन्स डूअर, जो काम करता है. ओके, सो सब्जेक्ट इज पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बींग समथिंग. वॉट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया दैट इज डूइंग और बींग समथिंग. ओके, इट मीन्स सब्जेक्ट इज अ डूअर. फॉर सब्जेक्ट वी आस्क दिस क्वेश्चन, हु इज परफॉर्मिंग एक्शन. एक्शन कौन कर रहा है? ऑब्वियसली सब्जेक्ट. जो सब्जेक्ट कर रहा है, जो भी काम करता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या है? सो वर्ब इज एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट और स्टेट ऑफ बीइंग. वर्ब क्या है? वर्ब इज एन एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट जो भी काम करता है वो आपका वर्ब होता है. ओके, We ask question for verb, what subject is doing. Subject क्या कर रहा है? Subject जो भी करता है वो हमारी verb होती है. Okay? So students, now let's see the example to make it clear. Ajay plays cricket regularly. In this sentence, what is subject? Yes? Yes. For subject, we will ask this question. Who is performing action? In this sentence, who is performing action? Yes, Ajay. So, Ajay is a subject. And for verb, we will ask this question, what subject is doing? Subject kya kar raha hai? So, subject kya kaam kar raha hai? Ajay plays cricket regularly. It means, subject khelta hai. Kya khelta hai? Jo bhi khelta hai, cricket khelta hai. It means, wo kya kaam kar raha hai? Subject kya kar raha hai? ये क्वेश्चन हम किसके लिए पूछेंगे? फॉर वर्ब हु, सॉरी, व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? सो आंसर इज प्ले. सो प्लेज इज अ वर्ब. ओके, सो नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज वर्ब इन दिस सेंटेंस एंड हाउ वी विल आइडेंटिफाई सब्जेक्ट एंड वर्ब इन द सेंटेंस. ओके, नाउ स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अंडरस्टैंड फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन. ओके, सो हु इज फर्स्ट पर्सन एंड हु इज सेकंड पर्सन एंड हु इज थर्ड पर्सन. ओके, इन फर्स्ट पर्सन वी राइट आई, वी, मी, us, my, mine, our, ours. Okay, so these words we write in first person. In second person we write you, your and yours. Okay, in third person we write he, his, him, she, her, hers, it, its. Okay, so who is first person? First person is the person speaking. Okay, it means जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन. ओके, सेकंड पर्सन इज द पर्सन स्पोकन टू, जिससे हम बात बोलते हैं. इट मींस जो लिसनर होता है, जो सुनता है, वो सेकंड पर्सन. ओके, थर्ड पर्सन इज द पर्सन वी स्पोकन अबाउट. थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाए. ओके, थर्ड पर्सन वो होगा जिसके बारे में हम बात करते हैं. ओके, इफ आई स्पीक टू यू अबाउट जानवी. ओके, सो आई एम अ फर्स्ट पर्सन, मैं एक फर्स्ट पर्सन एंड यू आर सेकंड पर्सन एंड जानवी इज द थर्ड पर्सन. ओके, मैंने आपको बोला, इट मीन्स आई एम अ स्पीकर, यू आर लिसनर एंड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इट मीन्स इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जानवी, जानवी इज अ थर्ड पर्सन. आई एम अ फर्स्ट पर्सन, यू आर लिसनर सेकंड पर्सन एंड जानवी इज अ थर्ड पर्सन. ओके, सो स्टूडेंट्स, फॉर फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन वी राइट दीज वर्ड्स. व्हाट इज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट?
making a sentence grammatically correct, a verb must agree with its subject in number. Okay? एक sentence को grammatically correct करने के लिए verb को number में subject के साथ agree होना चाहिए. एक जो sentence है उसको grammatically correct करने के लिए जो verb है उसको जो एक number है उसमें subject के साथ क्या होना चाहिए? Agree होना चाहिए. Okay? Let's see the rule. Singular subject must have singular verb and plural subject must have plural verb. Okay? How? Subject, when subject is singular, यदि आपका कोई subject singular है, so how you will write singular verb? Let's see the example. First, that monkey eats a banana. In this sentence, that monkey, it's a singular subject and eats, it's a singular verb. Okay? Next example, this car goes fast. In this sentence, this car is singular subject and goes is a singular verb. Okay? So, singular subject, we will write singular verb. Okay? Now, next, when subject is plural. जब subject plural है, then we will write plural verb. Okay? How? Let's see the example. Those monkeys eat bananas. So, in this sentence, those monkeys, it's plural subject. And eat, it's a plural verb. Okay? Now, next sentence, these cars go fast. So, in this sentence, these cars, it's a plural subject. Okay? And go, it's a plural verb. Okay, so students, with singular subject, we will write singular verb and with plural subject, we will write plural verb. And when this statement will true, when subject is in third form, जब आपका subject third form में होगा, then this statement will true. Okay, with singular subject, we will write singular verb and with plural subject, we will write plural verb. Okay, let's see the examples when subject is not in third person. Okay, जब आपका subject third person में नहीं होगा, then this statement will not true. Let's see the examples. I read newspaper regularly. So, in this sentence, I is a singular and read, it's a plural. It means I, it is written in singular form and verb read, it is written in plural form. Second example, we read newspaper regularly. So, we, it is written in plural form and verb read, it is also written in plural form. Okay, it means this statement will not true when subject is not in third person. It means in first person and second person, this statement will not true. Only this statement will true when subject is written in third person. Okay, in third person, singular subject must have singular verb. And plural subject must have plural verb. So, in this lesson, what we have understood? We have understood what is subject and what is verb. And how we will identify subject and verb. And third, we have understood what is subject-verb agreement. How we will identify subject? Yes. If we will ask this question, who is performing action? तो how we will identify action कौन कर रहा है? Answer is subject. What is whatever it is written in your sentence, any name, Rahul, Mohan, it means we will ask this question, who is performing action? Answer is like Mohan, Rajiv, so that is subject. And for verb, how we will ask question, what subject is doing? Okay,
So whatever answer will come, it is your work. Okay, so students, I hope you understood everything in this lesson. So that's all for today and have a nice day.